तो एक तरफ सरकार किसानों के साथ बातचीत में लगी है, बड़ी खबर इस समय की बता दें हम, दूसरी तरफ बीजेपी के ही कुछ नेता किसानों पर निशाना साध रहे हैं। राजस्थान के दौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने किसानों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। मीणा ने दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों को लेकर धरने पर बैठे किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी एजेंट कह दिया है। तो जसकौर मीणा ने आंदोलन करने वाले किसानों को पाकिस्तानी एजेंट कहकर कहीं ना कहीं भाषा की मर्यादा को तोड़ा है। अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हम कैसे सोचें कि इस देश की कितनी रुकावटें हैं, जिन रुकावटों को ध्यान में रखते हुए, दूर करते हुए मोदी ग्राम विकास के लिए, जन जन के विकास के लिए, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की, जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की, तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। ABP न्यूज़।